जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अनएकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कल की क्लास में मैंने ये पूछना उचित नहीं समझा कि आवाज़ सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया और लास्ट में हमारी आवाज़ लगभग 10 मिनट तक नहीं ही आई। तो एक बार कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। दोस्तों क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं मुझे? यस। चलें, लास्ट क्लास में हमने जून के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम मई और थोड़ा बहुत अप्रैल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये किया है कि जैसे कल कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो मुझे हटाने थे, लेकिन आज हम लोगों ने वो क्वेश्चन हटा दिए, और आज वाले सेशन से आप को एक भी क्वेश्चन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज वाले सेशन से आपके लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कवर होंगे, मतलब एक भी इरिलेवेंट क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। जहाँ पर दिक्कत आएगी वहाँ आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसको दोबारा बताएं। ध्यान रखिएगा CGL का जो करेंट का लेवल है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल है, उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं करती SSC, तो इसलिए इसको हमने जिस तरीके से बनाया डिज़ाइन किया उसी हिसाब से आपको कोशिश करना है तैयारी करने का। क्वेश्चन है, लॉन्च द फर्स्ट इट्स काइंड कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दिव्यजन विच वाज रिजल्ट ऑफ द MOU साइन बिटवीन इंडिया एंड, है ना? किसने दिव्यजनों के लिए पहला समुदाय आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसके लिए भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया था? तो मित्रों ये जो शुरुआत किया था, आप जानते हैं कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर थावरचंद गहलोत थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये एग्रीमेंट भारत का किसके साथ हुआ है दिव्यजनों के लिए? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है ताकि जो भी डिसेबल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पहला, थावरचंद गहलोत और ऑस्ट्रेलिया। सी आंसर इज द राइट आंसर। थावरचंद गहलोत वाज द सोशल जस्टिस मिनिस्टर, सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, इन्हीं के पास था। इन मई 2021 रिजर्व हु हैज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। मई 2021 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या कर रहा है, टेक्निकली RBI को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, टेक्निकली RBI को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है। तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये कौन इसका चेयरपर्सन है ये हमें बताना है। तो राजेश बंसल इज द CEO, राजेश बंसल को हमने CEO के रूप में नियुक्त किया है। विच कंट्री साइन अ एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर एक्शन प्लान विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर, है ना? कल भी हमने देखा था इस तरीके के क्वेश्चन। तो हमने बताया कि जब जब कोई देश भारत के साथ एग्रीमेंट करेगा एग्रीकल्चर डिफेंस या कुछ इस तरीके से, तो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो आपको है कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे, तो मंथ वाइज पूछते हैं कि मई में इस देश के साथ हुआ है या इतने दिनों के लिए हुआ। तो आप जानते हैं 3 साल का एग्रीमेंट है जिसमें हम एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके एक दूसरे का डेवलपमेंट करने का या एक दूसरे को सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 ईयर प्रोग्राम है ये। 5th इंडो एग्रीकल्चर एक्शन प्लान के एग्रीमेंट का रिजल्ट है ये। तो किसके किसके बीच साथियों? इंडिया और इसराइल के बीच, इंडिया और इसराइल के बीच मई में।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था कि एमपी के किसी नेशनल पार्क में हम किसी खास देश से टाइगर को इंपोर्ट कर रहे ताकि हम चीतों की संख्या को, टाइगर की संख्या को बढ़ा सकें। तो एक तो प्रश्न बना कहाँ से ला रहे हैं, तो ऑप्शन ही चीख चीख के कह रहा है कि अफ्रीका से ला रहे हैं। और कहाँ पर साथियों, कुनो नेशनल पार्क एमपी में। क्लियर है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 10 टाइगर को हम लेकर के आ रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट चीता के तहत। तो अफ्रीका और कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क कहाँ, एमपी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन विल डिजाइन द रिएक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट रेडियो टाइप प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में पहले रेडियो आइसोटोप उत्पादन परिसंस्करण सुविधा परिसर के लिए रिएक्टर डिजाइन कर रहा है। आप जानते हैं कि भारत में रिएक्टर डिजाइन करने की जिम्मेदारी किसकी है साथियों, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ही है। और ये भारत का पहला क्या, दुनिया में ही पहला ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होना है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के नाम से जानते हैं, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है ये। विच कंट्री साइन अ एमओयू विथ WHO टू सेटअप द फर्स्ट बायो हब फैसिलिटी फॉर रैपिड जीनोम शेयरिंग ऑफ वायरस एंड पैथोजेंस। वायरस और रोगजनकों के तेजी से जीनोम साझा करने की पहली WHO बायो हब सुविधा देने के लिए WHO के साथ किस देश ने टाई अप किया है। आप जानते हैं WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ट्रेडरोस इनके चेयरपर्सन हैं। और ये 74 जो सबमिट हुई थी उसमें किस देश ने, थैंक यू, स्विट्जरलैंड ने ये एग्रीमेंट किया था, स्विट्जरलैंड ने। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 12 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के निवेश कोष पर 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। किसे नियुक्त किया गया है, निलेशा इंजेती श्रीनिवास, संदीप बख्शी और अमिताभ चौधरी, यह आपको बताना है। इसको बल्कि हटा ही दो, ये क्वेश्चन करो। हु वॉन द 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड, द टॉप अवार्ड ऑफ स्पेन अंडर द सोशल साइंस कैटेगरी। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान श्रेणी के तहत स्पेन का शीर्ष पुरस्कार 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड किसने जीता है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था। ये भारत से इनका संबंध है और ये इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और इस महान व्यक्ति का नाम क्या है साथियों, अमर सेन। तो अमर सेन को ये अवार्ड मिला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्पेन का सर्वोच्च अवार्ड है, स्पेन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। फर्स्ट काइंड इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट सर्वेलाइंस प्लेटफॉर्म इन एशिया कॉल्ड द प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च इन फॉर द कंडक्टिंग सर्विलांस इन द सिस्टम। एशिया में अपनी तरह का पहला पर्यावरण निगरानी मंच, जिसे सटीक स्वास्थ्य मंच कहा जाता है, को कहाँ पर स्थापित किया है और किस पर्पज के लिए स्थापित किया जा रहा है, यह आपको बताना है। कौन सा साथियों, प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म। तो कहाँ पर इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं दोस्तों, इट इज एस्टेब्लिश इन बेंगलुरु। और किसके लिए साथियों, सीवेज सिस्टम के लिए। पहला एनवायरमेंट निगरानी मंच सीवेज सिस्टम, सीवेज प्रणाली को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है।
Who was awarded the 2020 Energy Frontier Award, also known as the International Eni Award 2020? Energy Frontier Award, जिसे International Eni Award 2020 के नाम से भी जाना जाता है, किसे दिया गया? आप जानते हैं कि this award is also known as the Nobel Award of Energy Research. Energy Research के आवाज फील्ड में इसे हम Nobel Award के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत के ही किसी व्यक्ति को दिया गया, बताइए तो किसे दिया गया साथियों? सीएन राव. और ये क्वेश्चन मुझे याद है हम कर चुके हैं. यस, हु वाज अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट इन सीरिया इन 2021? सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चौथी बार चुने गए हैं, 7 साल के लिए चुने गए, ये 2000 से ही हैं, तो 28 साल लगातार ये रहेंगे, मतलब 2028 तक रहेंगे 2000 से, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इस तरीके को रिकॉर्ड बना रहा है. तो कौन साथियों? बशर अल असद इज द राइट आंसर, बशर अल असद. Which organization planning to launch its first mobile robot to moon Viper in 2023? पहला मोबाइल रोबोट रोवर मून को, जिसका नाम वाइपर है, किसके द्वारा लॉन्च करने की योजना है? 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा. ये मतलब 100% आउट क्वेश्चन मान के चलो, ये आना ही आना है क्वेश्चन पक्का. तो बताइए साथियों क्या आंसर हो जाएगा? नासा है. यस, नासा इज द राइट आंसर 2023 में. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि वाइपर कौन लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा, वाइपर का फुल फॉर्म क्या है. तो बोले टाइप इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर के नाम से जानते हैं, बोले टाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर के नाम से जान रहे हैं. चलो, तो ईयर भी आपको याद रखना है. हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रोडोल्फ बी सचिंदर अवार्ड द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गेस्ट्रो स्टेनाइल इंडोस्कोपिक अवार्ड? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, आपको बताना है. आप जानते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गेस्ट्रोनॉटिकल एंडोस्कोपी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है. यह अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड मिला हुआ है. हमने बताया था कि इनको 2016 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था. बताइए क्या नाम है इनका साथियों? तो ही इज द डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी. डी नागेश्वर रेड्डी को मिल रहा है. चलो, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड रीफ सर्विलांस टूल टू मॉनिटर द कोरल ब्लीचिंग इशू वाज डेवलप्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? यस, प्रवाल भित्तियां हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. इनको बचाए रखने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए एक हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है. तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाया गया है? ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो कोरल ब्लीचिंग के देखरेख के लिए या कोरल निगरानी के देखरेख के लिए बनाया गया, बताइए कौन सा साथियों? तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी. अब देखिए, भारत का अब तक का सबसे बड़ा लोन, एक बार में इतना बड़ा लोन जो कोविड के लिए दिया गया है, कोविड के दौरान दिया गया है ताकि हमारा एक्सप्रेसवे बेहतर तरीके से हाई स्पीड बन सके, 82 किलोमीटर का हाई स्पीड. Committed to 3.92 billion sovereign loan in India, including COVID financial assistance of 500 million, the 82 kilometer high speed. तो किसने दिया है और किस रूट के लिए दिया गया है? तो हम आपको क्लू दे देते हैं. यह संस्था 1966 में established की गई. इसका हेड ऑफिस फिलीपींस मनीला में है. इसके चेयरपर्सन एम एस्कावा हैं.
मटसाओ अस्कावा हैं, बताइए तो कौन से साथियों? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और कहाँ से कहाँ? दिल्ली टू मेरठ के लिए। तो दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने दिया, रोड के लिए भी और कोरल COVID-19 से भी निपटने के लिए। चल, फाइनेंशियल ईयर 21 एलोकेटेड रिकॉर्ड हाई अमाउंट ऑफ द 1236 करोड़, 1236 करोड़ रुपए का, किस बात के लिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर रूरल रोड एक्टिविटीज इन। इतने ज्यादा फंड ग्रामीण रोडवेज के विकास के लिए दिया गया है तो किस संस्था के लिए दिया, किस संस्था के द्वारा दिया गया? तो इट इज गिवन बाय नाबार्ड। और किस स्टेट के लिए साथियों? असम। तो हमें ऐसे समझना है कि रोड के विकास के लिए इतना फंड किसके लिए, तो असम के लिए, और किसके द्वारा? नाबार्ड के लिए दिया गया, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके रूरल सेक्टर में। यस, हमने बताया था कि फाल्कन मैन ऑफ इंडिया कौन है, हमने बताया था कि नागालैंड में फाल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने फाल्कन के सुरक्षा के लिए बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर का निर्माण कर दिया था। इस अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, विटली अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। एनवायरमेंट के फील्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। तो किसे मिला है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब पक्का मान के चलो कि आना ही आना है। तो यह असम से है और ये वाई नुकलू फोम और अमर फाल्कन के रक्षा के लिए ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसका निर्माण। जालकिन अर्डेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ टॉप द फॉर्च्यून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर, विश्व के टॉप 50 लीडरों में, नेताओं में जो टॉप पे हैं वो किस देश के हैं? नाम तो उनका है जैकिंडा अर्डन, और पूछ रहे हैं कि भारत की तरफ से एकमात्र इंडियन लीडर जो टॉप 10 में है वो कौन है? तो कौन साथियों? ये न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से, और भारत की तरफ से अदार पुनर्वाला है टॉप 50 लीडर्स की कैटेगरी में। चल, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टॉप 50 लीडर में या टॉप लीडर कौन आया है। तो जैकिंडा अर्डन है, कहां से? न्यूजीलैंड से, और भारत की तरफ से एकमात्र भारतीय लीडर के रूप में किसका नाम आया है? तो आप जानते हैं कि आधार पुनर्वाला कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, है ना? कोविड में इन्होंने वैक्सीन बना ली भारत के लिए, तो इसलिए इनको इतना वैल्यू दिया गया। लीडर का मतलब हर फील्ड में लीडर होता है, सिर्फ चुनाव वाला लीडर नहीं। इन मई 2021 मॉकटोर क्वेन वॉज द री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मॉकटोर क्वेन को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बताइए साथियों? तो अफ्रीका के माली कंट्री का इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। इन मई 2021 फॉर्मर गवर्नर ऑफ केरला एंड 6-टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रघुनंदन लाल भाटिया पास्ट अवे। मई 2021 में केरल के फॉर्मर गवर्नर, पूर्व गवर्नर रघुनंदन लाल भाटिया का मृत्यु हो गया, और वे 6 बार इलेक्टेड एमपी रहे हैं। तो किस जगह से इलेक्टेड एमपी थे? तो ही वॉज फ्रॉम अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब से 6 बार चुने गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
यस, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेट जीरो बाय 2050? अच्छा, कल एक फैक्ट गलत हो गया था, वो ठीक कर देंगे। एफडीआई जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो महाराष्ट्र में नहीं, इस समय गुजरात में आ रहा है, ये थोड़ा सा फैक्ट था, ये ठीक कर देंगे। अच्छा, एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो 51% थी, उसको सरकार ने बढ़ाकर सिर्फ 74% कर दिया। और दूसरा, आप जो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है वो किस फील्ड में आ रहा है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के फील्ड में आ रहा है। भारत में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई लेकर के आ रहा है वो सिंगापुर लेकर के आ रहा है, भारत में, है ना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई चाइना में आता है, लेकिन भारत में जो एफडीआई आ रहा है वो सिंगापुर लेकर के आता है। आज हमने एक स्ट्रेटजी भी बता दी थी आपको कि किस तरीके से अगले 15 दिन को आपने यूटिलाइज करना है, तो कोशिश करना वैसे करने के लिए। तो कह रहे हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट दैट फ्रेम अ रोड मैप टू अचीव नेट जीरो ग्लोबल कार्बन इमिजन बाय 2050? किस संगठन का ये रिपोर्ट है, या कौन सा संगठन इस बात के लिए तत्पर है कि 2050 तक हम जीरो इमिजन कर देंगे, यानी एनवायरनमेंट को हम लगभग प्रोटेक्ट कर चुके होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक वाहन को 60% तक कर देंगे, कोई नया कोयला आधारित बिजली प्लांट नहीं लगाया जाएगा, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें कही गई। ये संस्था पेरिस फ्रांस में है, बताइए तो कौन से साथियों? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस। चले, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही कि इंडिया रैंक इन द रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री, भारत का रैंक पुनर हिंदी में क्या कहेंगे हम, मतलब रिन्यूएबल पुनर निर्मित ऊर्जा संयंत्र के मामले में कौन से नंबर पे हैं, ये हमें जानना है। और दूसरा दूसरा रिलीज बाय अर्न एन एंगेस्टन ग्लोबल विथ एन एडिशन ऑफ इतना, कितना हमारे पास सोलर एनर्जी का सोर्स है अभी, तो अभी हम कितना सोलर एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं साथियों? तो हम 39 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, 39 गीगावाट है क्या। और हमारा पोजीशन कौन सा है साथियों? थर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। पहले नंबर पर कौन चल रहा है? यूएसए, अमेरिका, और भारत का और चाइना का दूसरा, और तीसरा भारत का है। और यदि रैंकिंग वाइज बात किया जाए कि ओवरऑल इंडेक्स क्या चल रहे हैं, तो बहुत पीछे हैं, लगभग हम 87th पोजीशन पे हैं, तो वो अभी हटा दूं, उसकी जरूरत नहीं यहाँ पर। ये हटा दूं, ये इसकी जरूरत नहीं। यस, विथ विच कंट्री इंडिया रिन्यूड 2 MOU ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरिटाइम इशूड इन मई 2021। मई 2021 में भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर अपने 2 समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण कर लिया है, है ना। आप जानते हैं कि ये एग्रीमेंट हमारा इस देश के साथ 2018 में हुआ था, और अभी हमने दोबारा उसको रिन्यू कर दिया है। और ये कौन सा देश है साथियों? ओमान। ओमान, ओमान के साथ हमारा 2 ट्रेनिंग होता है, एक हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग का नाम क्या है साथियों? तो मिलिट्री ट्रेनिंग का नाम हम अल नगाह के नाम से करते हैं, अल नगाह। और साथियों, समुद्री या सी ट्रेनिंग की बात कहा जाए तो नसीब अल बह के नाम से करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नसीब एल एल बह के नाम से किया जाता है। तो हमने कहा कि मिलिट्री वाला पूछा जाए तो अल नगाह करते हैं, और सी ओशियनिक पूछा जाए तो कौन सा साथियों? नसीब एल बाह का कर रहे हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है। यस, ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है, और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाएंगे। हु इज
सर आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हूँ, पूरा पुराना पीडीएफ मिल जाएगा क्या जो आपने आज डिस्कशन किया था? सब मिल जाएगा वहाँ पर। फोर्ब्स की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार 2021 के विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन है? सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन है? हम आपको क्लू देते हैं, ये मार्शल आर्ट फाइटर है और इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पे इनके बाद आते हैं लियोनेल मेसी, फुटबॉल के हैं। तीसरे नंबर पे रोनाल्डो आते हैं, पहले नंबर पे ये है। और ये आयरलैंड के हैं, तो अब आपको बताना है क्या नाम है इनका। कार्नर मैक ग्रोवर को ग्रेगर को कहते हैं। देखें रोनाल्डो कुछ लोग कह रहे हैं, रोनाल्डो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तो बल्कि दूसरे नंबर पे लियोन मेसी है। अच्छा केरल का, केरल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, नहीं तो अभी तक दोबारा कोई मुख्यमंत्री केरल में नहीं बन पाया है। मतलब लगातार की बात हो रही, कंटिन्यूअस। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कौन है इस समय जिनको दोबारा केरल का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। हम आपको क्लू दे देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं, CPIM, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के ही हैं। तो कौन है साथियों? पिनरई विजयन। द अमेंडमेंट रूल फॉर द FDI इन इंश्योरेंस कंपनीज वॉज नोटिफाइड बाई द एडा। कह रहे हैं कि सरकार ने बीमा कंपनियों के FDI के संशोधन नियम में जो परिवर्तन किया है वो एडा के द्वारा सूचित किया गया है। तो ये ध्यान से समझेंगे तो एडा के कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा, एडा नोटिफाई नहीं करेगा। हम आपको, यदि आपको याद हो, दिल्ली रूट और बॉम्बे रूट दो FDI का पार्ट बताए थे, तो ये नोटिफाई किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। दिल्ली रूट का मामला है, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, FDI से जनरली जो भी डिसीजन होगा या तो RBI करेगी या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। तो ये इंश्योरेंस वाला जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। दूसरा कह रहे हैं कि एज पर द न्यू अमेंडमेंट FDI लिमिट इज ऑफ इंश्योरेंस इंक्रीज टू 51% फ्रॉम 20%। कह रहे हैं कि FDI लिमिट 25% से बढ़ा गई 51% कर दिया गया, तो ये गलत है। अभी तक ये 49% था, तो इस साल बढ़ा के इसको 74% कर दिया गया। FDI इन्वेस्टमेंट, FDI इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई किसी भी, जैसे बजाज अलायंस है ना, तो बजाज क्या भारतीय कंपनी, इंश्योरेंस अलायंस अमेरिका की कंपनी, तो वो ज़्यादा ज़्यादा अमेरिका की जो कंपनी है वो 74% ही लगा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती, ये मतलब है। और तीसरा कहा गया है कि यदि कोई इस तरह की कंपनी बनेगी तो जो भी टॉप 3 पोजिशन है, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, वो भी इंडियन होगा, MD भी जो होगा इंडियन होगा और CEO भी इंडियन होगा। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में आपको मौका दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो इन टॉप 3 जो पोस्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो सकते हैं, भले आपका शेयर ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत की गई है भारत की पॉलिसी में, तो इसमें सिर्फ सी वाला सही है, बाकी सब गलत था। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, यहाँ 74% है, अब यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, मतलब 49 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 74 पर कर दिया गया। चलो, हैज अनाउंस्ड 50 बिलियन टू एंड COVID-19 पेंडेमिक बाय वैक्सीनेशन एट लीस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ एंड ऑफ 21। किस संगठन ने भारत को $50 मिलियन दिया है ताकि भारत कोविड के पेंडेमिक से लड़ सके और 2021 तक कम से कम 40% आबादी को वैक्सीन दे सके?
तो ये कौन है साथियों? आईएमएफ। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आईएमएफ जब भी लोन देते हैं तो कंडीशन देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम दे तो देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगला आपको कम से कम 2021 के अंत तक 40% आबादी को वैक्सीन लगा देना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार इस टारगेट को पूरा कर लेगी, क्योंकि लगभग 30 या 34% तक है जो फर्स्ट डोज लग चुका है। आप लोगों ने लगवाया नहीं लगवाया? आज मेरा सेकेंड डोज भी हमने लगवा लिया है, आप लोगों को भी लगवाना चाहिए। चले, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। कितने मेंबर हो गए हैं? 190। इंडियन नेवी डी कमीशन इट्स फर्स्ट नेवल डिस्ट्रॉयर शिप इन मई 2021 आफ्टर इट्स 41 ईयर ऑफ सर्विस। नेम द डिस्ट्रॉयर शिप। भारतीय नौसेना ने अपनी 41 साल की सेवा के बाद मई 2021 में अपने पहले नौसेना विध्वंसक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। इस विध्वंसक सेवा जहाज का नाम क्या है? ये भी पक्का मान के चलिए कि आपके लिए आने वाला क्वेश्चन है। कहां पर साथियों? कौन सा, क्या नाम है दोस्तों? आईएनएस राजपूत। और इसे कहां से कार्य क्षेत्र से हटाया गया? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से हटाया गया, नेवल डे के आर्ट जो है। चले, किसे स्पोर्ट मैन और स्पोर्ट वुमेन का अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए? ये अच्छा क्वेश्चन है। लारियाल वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है साथियों? तो स्पोर्ट्स मैन किसको हमने दिया है मित्रों? राफेल नडाल। ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। आज हमने बिल्कुल लिमिटेड ही क्वेश्चन निकाले। नाओमी ओसाका, ये इस साल के स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स लेडी का अवार्ड इनको हमने दे दिया है। इस बार जो भी अवार्ड मिला था डिजिटल में ही मिला है। चल, विच इंडियन कंपनी वाज नेम एज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड ऑफ 2021 रैंकिंग ग्लोबल रिटेल पावर हाउस रिपोर्ट। 2021 के रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस में किस भारतीय कंपनी को दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाले रिटेलर के रूप में नामित कर दिया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये आदमी, ये कंपनी जहां भी जाती है, हालांकि 2020 में ये पहले नंबर पे थे, 2021 में इनको दूसरा पोजीशन मिल गया दुनिया में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाले। कोरोना का किसी को फायदा हुआ है तो इन्हीं को फायदा हुआ है, रिलायंस रिटेल। चले, वाज इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इन मई। असम के नए मुख्यमंत्री, जो असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं, वो क्या नाम है उनका? तो नाम तो सब में सेम नहीं है, अच्छा नाम भी अलग अलग दिया है। तो हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि एक दिन मैं राज्य का सीएम बनूंगा, तो ये बन गए। आप भी अच्छी अच्छी बातें कहा करें अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं विदेश मंत्रालय ज्वाइन करूंगा, मैं मतलब जो भी आपको बनना हो, और पीएम बनना हो तो पीएम के बारे में कहा करें। लेकिन पीएम बनने के लिए तो बहुत टैलेंट होना चाहिए। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव ए ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम, कॉल्ड फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, विच वॉज डेवलप्ड इन द कोलेबोरेशन विथ। भारत का पहला राज्य जिसने अपने वहाँ ऑनलाइन फ्लड इंफॉर्मेशन का सेंटर स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। हम आपको क्लू देते हैं, भारत में सबसे अधिक फ्लड किस राज्य में आता है? यदि आपको पता है तो भी आप कर सकते हैं। भारत में सबसे अधिक फ्लड, तो भारत में सबसे अधिक फ्लड कहाँ पे आता है? असम में। और ये किसके सहयोग से हुआ? यूनिसेफ के सहयोग से। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन शेख जायद अकबर जायद बुक अवार्ड। ये भी हमने क्वेश्चन किया है, हमने बताया था कि अरब संस्कृति पर विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है, और ये पहले भारतीय हैं जिसको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। बताइए, अरब लिटरेचर के लिए दिया जाता है, शिकागो विश्वविद्यालय।
में दिया गया इस साल का अवार्ड, पहली महिला भी हैं, पहली भारतीय भी हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया। बताइए साथियों क्या नाम हुआ? तो ताहोरा कुबुतुद्दीन या ताहिरा कुबुतुद्दीन। यस, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन जज टू रिसीव द एयरलाइन पिच ग्लोबल विजन अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज। जब भी किसी महिला को इस तरीके की उपलब्धि मिलेगी तो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। ये पहली भारतीय न्यायाधीश बन गई हैं ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले। तो कौन है दोस्तों? गीता मित्तल। गीता मित्तल को यह अवार्ड मिला है। यस, द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेचर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट रिलीज इन मई 2021 क्लेम दैट द ग्लोबल आर्म कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस पासेस अ हाई थ्रेट टू 219 स्पीसीज। मई 2021 में जारी नेचर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट के पहले संस्करण में दावा किया गया कि वैश्विक सशस्त्र संघर्ष 219 लुप्त प्रजातियों के लिए खतरा है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमें कोई बात नहीं। तो इस तरीके का कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलो, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ एशियन हेरिटेज टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली एशियाई विरासत की पहली महिला कौन बन गई वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त करने वाले? तो यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। बताइए क्या नाम है इनका? ये पहली एशियाई है, भारतीय नहीं है, एशियाई है। तो क्या नाम है इनका साथियों? शकुंतला हरक सिंह थिलसेड। ये त्रिनाद और टोबैको की निवासी हैं। त्रिनाद टोबैको एक देश है। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ग्रुप के से जुड़े हुए थे और इन्हें हमने फर्स्ट CEO के रूप में चूज कर लिया है। क्या नाम है साथियों इनका? पदम कुमार माधवन नैयर। पदम कुमार माधवन नैयर को चुना गया। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। योवेरी मुसेवेनी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। योवेरी मुसेवेनी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? हम आपको क्लू देते हैं, इस देश की कैपिटल कंपाला है। बताइए कौन सा देश हो गया? तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। नेम द पेमेंट बैंक दैट पार्टनर विद द डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर सेफ गोल्ड टू लॉन्च डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट 24K गोल्ड। कौन सा पेमेंट बैंक है जिसे 24K सोने में निवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड को लॉन्च किया गया? तो आप जानते हैं कि तीन क्वेश्चन है यहाँ के लिए। पहला पेमेंट बैंक, यही एयरटेल पेमेंट बैंक, पहला पेमेंट बैंक जिसका 1 लाख से लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, तब सबसे पहले परमिशन मिला, एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक वो होते हैं जो सिर्फ पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे पेटीएम इज द पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस इज द पेमेंट बैंक, एयरटेल मनी इज द पेमेंट बैंक। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? एयरटेल पेमेंट बैंक। चलो, यस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हमने सीखा है कि वे बैंक जो RBI के दूसरे लिस्ट में लिस्टेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल बैंक कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो कौन सा बैंक है जो RBI के दूसरे लिस्ट से हटा दिया गया है? तो ये मतलब एक बेहतर क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो किस बैंक को हमने शेड्यूल बैंक की कैटेगरी से हटा दिया है? तो कौन सा बैंक साथियों? लक्ष्मी विलास बैंक।
हमने कहा था कि शेड्यूल बैंक वे होते हैं जिसका चेक दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथा एक्सेप्ट करते हैं, वे बैंक जो पूरी तरीके से बैंक के रूप में कार्य करते हैं। ये हटा दो। यस, विच कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विथ नासा फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? नासा के साथ समझौता करने वाली पहली कंपनी, नासा के साथ समझौता करने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए एग्रीमेंट किया है, तो कौन सा थी? एक्सियोम स्पेस। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलो, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा देखने के लिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following central bank recently become a member of Central Bank and Supervision Network for the greening the financial system? कौन सा केंद्रीय बैंक हाल ही में वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए केंद्रीय बैंकों और प्रयोगशिकों के नेटवर्क के रूप में शामिल हो गए? यानी पूरे वर्ल्ड के बैंक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से के साथ साथ बेस्ट फैसिलिटी देने का टारगेट दे रहे हैं। इसके लिए 2017 में पेरिस में फ्रांस में एक संगठन की स्थापना हुई, नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका हेड ऑफिस कहाँ? पेरिस में। और इसमें 90 देश हैं। तो इसका नया मेंबर कौन बना है? तो भारत की आरबीआई बन गई है। तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, भारत की आरबीआई। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट इट्स काइंड इनिशिएटिव रिस्टोर फंड वर्थ $200 मिलियन टू रिमूव कार्बन फ्रॉम एटमोस्फियर? यस, किस संगठन ने वायुमंडल से कार्बन हटाने के लिए $200 मिलियन फंड दिया है? किस नाम से? रिस्टोर फंड के नाम से। तो ये कौन देगा साथियों? एप्पल ने एटमोस्फियर को क्लियर करने के लिए रिस्टोर फंड स्थापित किया है, और इसे ऐसा बता रहे हैं कि इस पैसे से हम 1 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से हटाने में सक्षम हो जाएंगे। देखते हैं। यस, इन 2020 ऑनलाइन सेल्स काउंटेड फॉर 19% ऑफ ओवरऑल ग्लोबल रिटेल सेल विथ एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एज ऑफ द रिपोर्ट रिलीज बाय मई 2021। कह रहे हैं कि 2021 में जारी रिपोर्ट में ऑनलाइन बिक्री में पहले नंबर पे कौन है जिसका वैश्विक व्यापार में कुल 19% हिस्सेदारी है? 19% हिस्सेदारी बताइए। तो कौन साथियों? साउथ कोरिया। समझ पा रहे हैं? इतना ज्यादा इनका योगदान है रिटेल मार्केटिंग। और ये रिपोर्ट किसने दिया है साथियों? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, UNCTAD के नाम से पढ़ते हैं, अंटार्ट के नाम से, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है ई कॉमर्स रिपोर्ट के नाम से। और उसमें बताया है कि विश्व में सबसे ज्यादा रिटेल मार्केटिंग में इनका रोल है, इन्हीं के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है या सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। ग्लोबल FDI dropped by 38% in 2020 as per the data released by it. The Indian managed to become the largest recipient of FDI flow in 2020. बता रहे हैं कि एक संगठन ने जो ये रिपोर्ट जारी किया है उसमें उसके हिसाब से 38% फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, इसके बावजूद भारत का कौन सा पोजीशन बना हुआ है? तो अब भारत कौन से नंबर पे साथियों? थर्ड लार्जेस्ट FDI इंपोर्टर के रूप में। और ये किसने कहा है? ये डिसीजन किसका है, किसने कहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कौन ये रिपोर्ट जारी करता है, या इतना भी नहीं तो हमारे लिए भारत कौन से नंबर पे FDI के मामले में भी इन्वेस्टर के रूप में चल रहा है। ये हटा दो। ये भी कोई जरूरत नहीं है।
यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। ई नाम विच बैंक हैज इलेक्टेड एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर फॉर द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मई 2021, है ना। भारत में किसानों के प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाने के लिए, किसानों के सब्जी मंडियों के उपज मंडियों को ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, दैट इज नोन एज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम। तो इसके लिए पेमेंट के लिए किसे पार्टनर बैंक बनाया गया है? तो इट इज द कोटेक महिंद्रा बैंक। कोटेक महिंद्रा बैंक को हमने पार्टनर बैंक के रूप में चूज किया है ई नाम का। विच म्यूचुअल फंड कंपनी रिसेंटली लॉन्च टू ओपन इंडियन फंड ऑफ, ये भी हटा दो, ये भी जरूरत नहीं है अभी। हाँ, विच कंपनी डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली कंपनी कौन बन गई है? इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? इंटरनेट में, बैटरी के ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, प्रोसेसिंग तेज की जा सकती है, और बता रहे हैं कि यह फोन के बैटरी के लाइफ को 4 गुना करने में सक्षम हो जाएगा। तो ऐसा किसने किया है साथियों? इट इज द आईबीएम, आईबीएम के द्वारा किया गया। चलो, हु वॉन द 2021 नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? 2021 का नेशनल मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? ये भारतीय ही हैं, ये आपको बताना है, इंडियन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बताइए। रुमनान सिंह सेंगल। चल, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष, यस, ये हमने पढ़ाया था आपको, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष किसे बना दिया गया? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कमीशन का पहली महिला अध्यक्ष किसे बनने का मौका मिला है? तो इट इज द रेखा मेनन, रेखा मेनन को बनाया गया। ये हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। यस, इज प्लानिंग टू लॉन्च इज आवन स्पेस स्टेशन। किसने अपने स्पेस स्टेशन खुद के बनाने का टारगेट रखा है? तो ये कौन सा देश है साथियों? ये रसिया है। कब तक इन्होंने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है? 2025 तक। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है कि रसिया ने स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट कब तक रखा है? 2025 तक। 2025 तक किस देश ने अपना स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट रखा है? रसिया के द्वारा। चल, भारत में सबसे ज्यादा लोन देने का रिकॉर्ड या सबसे बड़ा बैंक अभी एसबीआई चल रहा है, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा लोन देने का रिकॉर्ड अभी किसके पास है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन देने का भी रिकॉर्ड किसके पास? एचडीएफसी बैंक। विच कंट्री इज प्लानिंग टू लैंड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर? जुरोंग। ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स बाई मई 2021। कौन सा देश मई 2021 तक अपने मार्स रोवर जुरोंग को मंगल की सतह तक उतारने की योजना बना रहा है? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। 2021 तक मार्स पर इन्होंने अपना सेटेलाइट रोवर लॉन्च कर देना है। सेटेलाइट ना कहें, रोवर कहें ज्यादा अच्छा है, जुरोंग नाम से। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कौन सा है? चाइना। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2021। वरुण 2021 भारत का किस देश के साथ किया जाने वाला एक्सरसाइज है? तो आप जानते हैं कि ये किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। और ये इस बार 25 अप्रैल 27 अप्रैल को कहाँ पर हुआ है? अरबियन सी में। तो फ्रांस और अरबियन सी, फ्रांस के साथ अरबियन सी, तो कहाँ पर है साथियों? ये बी। चल, विच कंट्री अलोंग विद द इंडियन लॉन्च द सप्लाई चेन इनिशिएटिव फॉर द क्रिएटिंग अ ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट? भारत के किन देशों ने एक मुक्त पारदर्शी व्यापार और विदेश निवास व्यापार बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की है?
किन देशों ने भारत के साथ कौन सा देश ये एक बेहतर व्यापार सिस्टम को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट किया गया, डिजिटलाइज करेंगे, तो कौन से दो देश हैं साथियों? ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। विच व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स? चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा पोजीशन है, भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए। आप जानते हैं कि चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फिनलैंड सबसे टॉप पे है, स्विट्जरलैंड उसके बाद, सिंगापुर उसके बाद, सबसे टॉप पर फिनलैंड। तो भारत का क्या पोजीशन है? भारत का इसमें 49th पोजीशन है, 49वां स्थान है, 49th पोजीशन। विच कंपनी पार्टनर्ड विद द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड टू एक्सपेंड इट्स UPI ट्रांजेक्शन इन द ग्लोबल मार्केट? वैश्विक बाजार में, ये छोड़ दो, UPI पेमेंट वेमेंट इतना चेंज होता रहता है, ये हमारे लिए जरूरत नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्टेड इंडिया GDP? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि किसने इतना परसेंट ग्रोथ का टारगेट रखा है या इस संस्था ने कितना परसेंट ग्रोथ का टारगेट रखा है। तो एशियन डेवलपमेंट का कहना है कि भारत 2021-22 में 11% का ग्रोथ कर सकता है। अब ये कितना सही होगा ये वक्त ही बताएगा। हु बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021? 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन सी हो गई है, बताइए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन है साथियों इसका ऑप्शन, क्या नाम है इनका? तो कीर्ति के कारंत, डॉक्टर कीर्ति के कारंत इज द राइट आंसर। चल, कीर्ति के कारंत। In April 2021, UN Cabinet approved the significance of an agreement of custom cooperation and mutual administration assistance in custom matter between India and which country? April 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारत में किन देशों के बीच सीमा शुल्क मामलों के पारस्परिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, यह हमें बताना है। तो कौन सा देश साथियों? इट इज अ यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच कस्टम के मामले में समझौता जो किया गया। चल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फिर कल हम देखेंगे अप्रैल, या देखेंगे, हो सकता है आप अप्रैल करने के बजाय मिक्स क्वेश्चन लेकर के आएंगे। विच आर द टू इंडियन कंपनीज दैट वेर लिस्टेड एमंग द टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर लिस्ट टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस कंपनी? टाइम पत्रिका की पहली टाइम 100 प्रभावशाली कंपनियों में भारत की दो कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन भी हमने किया है, है ना? टॉप 100 कंपनीज में हमारे भारत की दो कंपनियों को चुना गया है, ये बताइए। जल्दी बताएं कौन सी कंपनी, तो कौन सी कंपनी साथियों? एक तो जियो रहेगा ही रहेगा जहां भी रहेगा, और एक बायजूस। अनअकैडमी है ऑप्शन में, यस, ये आप लोग इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो अनअकैडमी का भी कभी फ्यूचर में नाम आने लगेगा। Who was appointed as the Finance Secretary of India in 2021? 2021 में किसे वित्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया? तो ये तो आप जान ही रहे। कौन साथियों? TV सोमानाथन। तो ये अभी के लिए यहीं पर रख रहे हैं, कल हम और आगे इसके करेंट वाले सेशन को लेकर के आएंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा कुछ चीज़ें समझ में आए। आज थोड़ा वैक्सीन भी लगा था, हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़े से हाथों में पेन उन है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी आज का सेशन ही ख़त्म करेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, और खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से एफर्ट कीजिए, ताकि हम सब मिल करके जो सपना देख रहे हैं कि GS में 30+ मार्क्स आ जाए, 40+ मार्क्स आ जाए, वो साकार हो सके। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें आपको टिपिकल लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि ऐसा करंट नहीं आता, लेकिन आप जब पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो क्वेश्चन कलेक्ट किया गया था वो अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से बदमाशी वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो
अभी के लिए इतना ही पर रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं साथियों।